और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़ा मामला गरमा रहा है। सुरक्षा से जुड़े मामले में आज सुनवाई होनी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभय चौटाला को पिछले दिनों भी धमकी यहां पर मिली थी, तो सुरक्षा से जुड़े मामले में आज कार्रवाई। हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई दरअसल होनी है और अभय चौटाला को पिछले दिनों भी धमकी मिली थी। इनेलो नेता अभय चौटाला की सुरक्षा से जुड़ा मामला, सुरक्षा से जुड़े मामले में आज सुनवाई होनी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और अभय चौटाला को पिछले दिनों भी धमकी यहां पर मिली थी। अनिल दत्त सेमवाल हमारे संवाददाता इस पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ गए। अनिल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था आज के लिए, यानी आज जवाब दायर करना था केंद्र सरकार की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से भी। अब ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या जवाब दायर किया जाता है। इससे पहले ये जो याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी वो इनेलो के विधायक और इनेलो के ही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला की तरफ से लगाई गई थी। उन्हें डीसी नंबरों पर फोन आया, धमकी भरे फोन किए गए और इसके बाद उनकी तरफ से मामला भी दर्ज करवाया गया था। लेकिन याचिका में कहा गया है कि मामला दर्ज करवाने के बाद उन्हें 4 पुलिसकर्मी दिए गए, लेकिन 2 दिनों में उन्हें वापस ले लिया गया। जबकि धमकी देने वाले लोगों की अभी तक गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सुनवाई होगी। आप ये देखना होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या जवाब दायर किया जाना। ठीक है अनिल, और सबसे अहम ये भी हो जाता है, खासतौर पर 2024 की बात करते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, उनकी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई और उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि भाई पद यात्रा जो है इनेलो की तरफ से भी निकाली जा रही है। और अब ऐसे में 24 जब करीब है और धमकी भरे मैसेज जो यहां पर मिलते हैं, अभय चौटाला को धमकी मिलती है, यात्रा कितनी प्रभावित होती है? 2024 का लक्ष्य इनेलो के लिहाज से, क्योंकि विपक्ष लगातार कहता रहता है भाई एक थी इनेलो ही रहेगी, तो यात्रा भी प्रभावित है, अभय चौटाला का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं। अनिल, आपकी आवाज मुझ तक ठीक नहीं आ पा रही है। ठीक, जहाँ परिवर्तन यात्रा उनकी तरफ से की जा रही है वही चले। अनिल, मैं जुड़ता हूँ आपके साथ, आप बन रही है हमारे साथ। फिलहाल कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला यहां पर सुनाने को देखने को मिलता है। फिलहाल बता दें कि अभय चौटाला को पिछले